लेकिन ये बाबरी मस्जिद था, ये बाबरी मस्जिद था और हिस्ट्री में हमने भी पढ़ाया कि ये बाबरी मस्जिद ही था जी। लेकिन ये लोग जबरदस्ती अगर इस पे डालना चाहे केस कि भाई हमें राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर चाहिए, भाई बनाओ, हिंदू राष्ट्र है, बीजेपी सरकार है, कुछ भी बनाओ, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं तो ये चाहता हूँ कि दोनों ही वर्ग जो है, पक्ष जो है दोनों जी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो जी, मंदिर बने और मस्जिद ही बने जी, के ये चीज बाबरी मस्जिद था, विदेश के लोग भी जानते कि ये बाबरी मस्जिद था। राम मंदिर कब था, राम कब था, इनको पता ही नहीं है। कोई एक जज भी कहा है कि राम कोई भगवान ही नहीं था। सर आपका आपका शुभ नाम? मेरा मोहित नाम है जी। और फैसला राम मंदिर के ही पक्ष में आएगा और आना भी चाहिए क्योंकि ये देश हिंदुओं का देश है, पहले से रहा है जी। आज संविधान क्या कह रहा, मोदी जी आए हिंदू राज लाए, आज भावनाओं से खेला जा रहा, कभी राम मंदिर के माने कभी मस्जिद के बारे में, जहाँ मस्जिद हमारी है आगरा ताजमहला हमारा। सर अभी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रूफ दिखाया था कि वहाँ पे राम मंदिर में राम जी की मूर्ति मिली थी कुछ सालों पहले, वो तो डाला गया है जी। वो तो राम मंदिर बंद था जैसे बाबरी मस्जिद बंद था, अंदर जाके कोई भी कुछ भी डाले। सर आपका शुभ नाम? वकील है यहाँ जी। सर अभी राम मंदिर केस की सुनवाई पूरी हो गई है, अब फैसला आने वाला है, सर क्या लगता है फैसला किस पक्ष में आएगा? देखिए मैं तो ये चाहता हूँ कि दोनों ही वर्ग जो है, पक्ष जो है दोनों जी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो जी, मंदिर बने और मस्जिद ही बने जी, ठीक है ना। तो इसीलिए ताकि इससे क्या है कि भाईचारा जो है बना रहे जी, मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके रहे जी, ठीक है ना। और कोई भी इंसान है किसी किस्म की बातें करता है तो वो तो बेकार है जी, ठीक है ना। अब ये जो समझदार इंसान होते हैं तो उनकी यही सोच होती है कि भाई हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे और मस्जिद भी बने और मंदिर भी जी। सर अभी राम मंदिर केस की सुनवाई पूरी हो गई है तो आपको क्या लगता है फैसला किस पक्ष में आएगा? सर आपका आपका शुभ नाम? मेरा मोहित नाम है जी। और फैसला राम मंदिर के ही पक्ष में आएगा और आना भी चाहिए क्योंकि ये देश हिंदुओं का देश है, पहले से रहा है जी, और हमेशा रहेगा जी। और राम मंदिर से ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग किसी दूसरे पक्ष में जाना चाहते हैं या दूसरे पक्ष के बारे में सोचते हैं जी। हम भारत के एकजुट एकता वाले आदमी हैं और हम राम मंदिर के पक्ष में ही फैसला आइए कोशिश करेंगे। सर अगर मान लीजिए राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ जाता है तो क्या लगता है जो दूसरा पक्ष है वो उसे मानेगा? बिल्कुल मानेगा, शालीनता से मानेगा, बिल्कुल मानेगा जी। क्योंकि आप औरंगजेब से, जो औरंगजेब के जमाने से देखते आ रहे हैं, सारे के सारे फैसले माने जा रहे हैं जी। जिसने भी यहाँ पर हमारे भारत में राज किया है वो जोर जबरदस्ती से किया है जी। लेकिन अब जो सरकारें हैं वो जोर जबरदस्ती से फैसले नहीं करने देंगे किसी को भी। और जो वहाँ पर आपने देखा होगा जहाँ पर मस्जिद है उसको तोड़ा है, जो उसमें सारी की सारी पुरानी इमारतें हैं, हिंदू इमारतें हैं, वो तो पक्ष फैसला आएगा जो वो हिंदू पक्ष में ही आएगा और वहाँ पर राम मंदिर ही बने जी। सर अभी सुन्नी वक्फ बोर्ड है, उसने अपना मालिकाना हक वापस करने की बात कही, उन्होंने कहा हम ये केस वापस लेंगे, उस पर क्या कहेंगे? काफ़ी लेट नहीं हमने कर दिया, अगर करेंगे तो काफ़ी देरी से। सर उनने जो भी किया वो उनने लेट कर दिया, बट जी जो फैसला आएगा वो हिंदू पक्ष में ही आएगा और राम मंदिर ही बनेगा जी। सर बोलेंगे सर Yes। हाँ। सर क्या कहेंगे फैसला जो अभी राम मंदिर पर आएगा किस पक्ष में आएगा? सर आपका नाम? मेरा नाम है शेख असादुल इस्लाम जी। सर क्या लगता है फैसला किस पक्ष में आएगा? फैसला किसी भी पक्ष में आया लेकिन सही होना चाहिए फैसला। ये लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर होना चाहिए, होना चाहिए वो बात अलग है, लेकिन ये बाबरी मस्जिद था जी। ये बाबरी मस्जिद था और हिस्ट्री में हमने भी पढ़ाया कि ये बाबरी मस्जिद ही था जी। लेकिन ये लोग जबरदस्ती अगर इस पे डालना चाहे केस कि भाई हमें राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर चाहिए, भाई बनाओ, हिंदू राष्ट्र है, बीजेपी सरकार है, कुछ भी बनाओ, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन अगर कोर्ट फैसला करेगा कि सारा चीज सबूत के तौर पे देख कर की करें, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीज जानकारी है कि ये चीज बाबरी मस्जिद था, विदेश के लोग भी जानते कि ये बाबरी मस्जिद था, राम मंदिर कब था, राम कब था, इनको पता ही नहीं है। कोई एक जज भी कहा है कि राम कोई भगवान ही नहीं था,
तो ये लोग कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे राम मंदिर था, कोई प्रूफ भी अभी तक नहीं दिखा पाए। सर अभी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रूफ दिखाया था कि वहाँ पे राम मंदिर में राम जी की मूर्ति मिली थी कुछ सालों पहले। वो तो डाला गया है जी, वो तो राम मंदिर बंद था जैसे बाबरी मस्जिद बंद था, अंदर जाके कोई भी कुछ भी डाले उससे कोई मतलब नहीं। जैसे अभी अभी लाल किला गिरवी रख दिया जी, देश का जहाँ पे आके झंडा लहराते बीजेपी सरकार वो दूसरे को गिरवी रख दिया, एक तरीके से बेच दिया जी। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लोग अगर जाके किसी कोई भी मंदिर ले, मतलब कोई भी मूर्ति ले जाके अंदर छुपा के रख दे बेसमेंट में अंदर रख दे, ठीक है, उसके बाद जब बोलेगा, जब ये किसी भी सरकार के पास आएगा खोदते खोदते मंदिर जैसे मूर्ति निकल गया, अब तो बोलेगा साला यहाँ पे कोई और मंदिर था जी, है ना, कृष्णा मंदिर या कुछ भी मंदिर बोल दे, है ना जी, बोल सकते हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि ताजमहल हमने ठेके पे दिया था शाहजहां को, इतने वर्ष बेवकूफ है ये लोग, मतलब हद से ज्यादा जी। आते हैं आपके पास सर, क्या कहेंगे राम मंदिर का फैसला आने वाला है, किस पक्ष में आएगा? हमारे वतन के सच्चो बुजुर्ग मेरी नाव बहनों, सबसे पहले नमस्कार दान करते हैं और सलाम अर्ज करते हैं। ये जो पार्टियाँ आज की पार्टियाँ हैं, ये हमारे धर्म से और आपस में टकरा के राजनीति खेल रहे, ये गंदा खेल है। ठीक है, सन 47 की आज़ादी में जो हमारा वतन आज़ाद हुआ था, फक्र से कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, आज संविधान क्या कह रहा, मोदी जी आए हिंदू राज लाए, तो हमसे बताओ सन 47 में देश आजाद हुआ, गांधी जी नाथुर और अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर साहब और जिना साहब जवाहरलाल नेहरू महरूम हम लोग महरूम कहते हैं जी, इन लोगों ने एक संविधान बनाया सेकुलर मुल्क, यानी जानते हो सेकुलर किसे कहते हैं, यानी कि हक को सबको बराबर का हक है जी। ठीक है ना, ये हमारे हिंदुस्तान का संविधान है, आज भावनाओं से खेला जा रहा, कभी राम मंदिर के माने कभी मस्जिद के बारे में, जाम मस्जिद हमारी है, आगरा ताजमहल हमारा, बनारस से तवारीख उठा के देखो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनारस में मंदिर बनवाया, जिसको औरंगजेब कहते तलवार के दल से इस्लाम लाए, नहीं, इस्लाम महबूबा से भाईचारे से जीता गया, दिल जीता, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनारस में मस्जिद मंदिर एक गेट से चढ़ा दिया, एक गेट है, हिंदू भाई चल रहे हैं, मुसलमान भाई चल रहे हैं, एक रास्ता मस्जिद को जा रहा, एक रास्ता मंदिर को जा रहा, फिर कैसा भाई दो, ये राजनीति छोड़ दो यार, हम बच्चों को छीने दो, हम तो आखिरी स्टेट हमारा छोड़ो। सर आपकी व्यक्तिगत राय में आप क्या चाहते हैं, उस विवादित जमीन पर मंदिर बनना चाहिए या मस्जिद? देखो बेटा हम कह रहे कुछ ना बनाओ जी, एक अस्पताल बना दो, लड़ाई खत्म कर दो, ये बेटा मुद्दा हल ही नहीं होगा, इसलिए मुसलमान तो कह रहे भाई हम लड़ाई नहीं चाहते, कोई हमारे अल्फाज आए हों तो बताओ, उत्तेजित अल्फाज आए हों तो बताओ,